सवाल महागठबंधन की आप बात कर रहे हैं, उसमें कांग्रेस आपके साथ रहेगी या नहीं रहेगी और उसका चेहरा बन रहेगा? नहीं, जो एक गठबंधन बनेगा तो आप तो शुरू से जानते हैं ना कि हम तो एक बड़ा गठबंधन बनाने के लिए लगे हुए, तो वो तो बन ही जाएगा। अब जैसी बातचीत जितने लोगों से हुई है तो अच्छा करके और फिर सब लोगों की राय से नामकरण भी गठबंधन का हो जाएगा, सब कुछ करके हो जाएगा। राहुल जी को साथ में तो साथ ही रहते हैं, सब जगह लेके जाते हैं हम साथ। नितिन जी, एक सवाल ये है कि आप शरद पवार साहब से मिलने आए हैं, क्या ये माना जाए कि शरद पवार साहब जो है विपक्ष का जो गठबंधन होगा उसका प्रमुख चेहरा होंगे और साथ में वो उनके नेतृत्व में आप? इससे ज्यादा खुशी की कोई बात ही नहीं है। हम इनको आज कह दिए, अब क्या बोले, एक बार पटिया में रिजाइन कर दिए, हम सबको खराब लगा था, और फिर वापस आके आज हमने इनको कहा कि एकदम पूरा मजबूती से न सिर्फ अपनी पार्टी के लिए आपको करना है बल्कि पूरे देश के लिए काम करना है। तो यूपी का चेहरा होगा, चेयरमैन का चेहरा? अरे वो भी होगा, वो तो आपस में बातचीत करके हो जाएगा ना, अभी तो अभी कुछ कहना तो ये उचित नहीं। तो सब बैठे आज खाली मिलकर काम करना, यहाँ तक काम होते है, चेहरा वेरा देखा हमारा सबका चेहरा, हमें मालूम है कि लोग चाहते हैं कि यही चेहरे सामने चाहिए। पवार साहब, आज सुप्रीम कोर्ट में निकाल लग रहा, ये खत्म हो गई। आपसे एक सवाल है, एक मिनट, आपसे एक सवाल है, आप बैठक होने वाली है, उस बैठक में ब्लूप्रिंट के बारे में भी बातचीत होगी, सब क्या कुछ प्लानिंग होगी? भाई अभी जो बैठक होगी ना वो तो उसके बारे में सब आपको समय पर बताएंगे। सवाल है, आप उद्धव ठाकरे जी से मिले हैं, जिस तरीके का उनके साथ पार्टी की जो तोड़फोड़ मरोड़ हुई है और आज कोर्ट का फैसला भी आया है, क्या लगता है कि उसके जैसे व्यक्ति आपके साथ रहने से उनकी पार्टी की ताकत आपको मिलेगी या आपकी वजह से उनकी पार्टी को ताकत मिलेगी? सवाल के लेकर के होने के लिए बिल्कुल वालों से तो उनकी बातचीत हुई थी। नोंदवण्यात आलं की उद्धव ठाकरेंनी जर राजीनामा दिला नसता तर कदाचित मी वेगळा विचार केला असता कोर्टाचं जजमेंट मध्ये म्हणण्यात आलं। तुम्ही स्वतः म्हणाला होता की जर अधिकार असं चर्चा करण्याचं असं नाही, माझ्या पुस्तकात मी लिहिले होते बात हो ही गया। ऐसा है, बात कितना है कह दिए हम लोग, इसके बाद जब होगा ना अगला मीटिंग होगा तो सब बात और डिटेल आएगा। हाँ बोलिए, क्या तो सारे प्रेस वालों का ही अजीब खबर देखी है हम लोग, वहाँ के बारे में जो रिपोर्ट आई है तो उसमें तो जितनी रिपोर्ट आई है तो जिसमें ज्यादातर लिखा ही गया उनके पक्ष में, अच्छी बात है। सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाकडे आपण एकतर कसं बघताय आणि दुसरं आज जयंत पाटलांना पण ईडीची नोटीस आली? असे आहे की जयंत साहेब ईडीची आली, आणखीन काही लोकांना आली, आम्ही सगळेजण वाद बघतो कधी आम्ही कुणाली सत्तेचा गैरवापर हा सातत्याने केला जातो त्याचे उत्तम आहे, आम्ही त्याच्याशी लढू। राज्यपालांची निवड किती चुकीची केली जाते याचं उत्तम उदाहरण महाराष्ट्राने पाहिजे, आणि मला वाटतं की जाहीर करणार मी त्याच्यावरती इच्छा असताना एकदम बोललेलो आणि अरे भाई कहाँ सभा होगी, कहाँ विपक्षियों की एकता की सभा होगी, वो तो उसके बाद घोषित होगा। सवाल
साहब खुर्ची मागे गए थे।